छोटा सा रिलेशन हम देख सकते हैं आपके VGS और VP में। VGS VP में आप रिलेशन क्या है कि जैसे आप आईडी की वैल्यू अगर जीरो होती है, आईडी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब VGS की वैल्यू इक्वल टू माइनस VP हो जाए, तो आपकी VGS की वैल्यू माइनस VP हो जाए। एग्जांपल के लिखा जाए कि अगर VGS की वैल्यू माइनस 4 हो, देन VP की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 4 वोल्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द VGS एंड VP। तो VGS का रिलेशन क्या होगा, माइनस VP होगा आपका। अब आप एक सिंपल इक्वेशन भी है ड्रेन करंट निकालने के लिए, जिसे हम शॉकलेस इक्वेशन भी कहते हैं, दैट इज ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। IDSS जो होता है वो मैक्सिमम ड्रेन करंट होता है, और मैंने बताया था मैक्सिमम ड्रेन करंट तभी होगा जब आपकी VGS की वैल्यू जीरो होगी। तो इस आपको दिया होगा कि मैक्सिमम ड्रेन करंट कितना होता है, तो मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू दी होगी IDSS, ID की वैल्यू आपकी निकालनी होगी, VGS की वैल्यू दी होगी, VP की वैल्यू दी रहेगी। सो बाई यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ID। अभी तक हमने बात कर ली है JFET के बारे में, तो JFET में हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली थी, उसमें जो डिफरेंट रीजंस थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MOSFET। MOSFET मैंने जैसा आपको बताया था फैट का ही क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज JFET होता है, MESFET होता है, MOSFET होता है। तो सिंस MESFET इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वील टॉक अबाउट द MOSFET। सो MOSFET इज नॉट हैविंग एनी PN जंक्शन स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो कोई भी इसमें PN जंक्शन स्ट्रक्चर नहीं होता है। इंस्टेड जो आपका गेट होता है इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल, कि दैट इज गेट डायरेक्ट चैनल से कनेक्टेड नहीं होता है। गेट जो होता है वो आपका इंसुलेटेड होता है चैनल से बाय यूजिंग अ इंसुलेटेड मटेरियल ऑफ SiO2। सो SiO2 लेयर को हम यूज करते हैं सो दैट योर गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। दस बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेशन योर MOSFET इज हैविंग द हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, सो विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी सर्किट्स। सो एज आई सेड इन द प्रीवियस क्लास दैट इज आपकी जो MOSFET भी होता है वो भी उसको टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। आपका होता है एक डेप्लीशन टाइप MOSFET होता है, देन एनहेंसमेंट टाइप MOSFET होता है। तो डेप्लीशन टाइप MOSFET की कोई अगर दो पार्ट्स में आप फिर से अलग से करते हैं, दैट इज एन चैनल पी चैनल। तो अगर आप एन चैनल कोई भी एक सिंपल चैनल समझ लें तो दूसरा चैनल भी सेम उसी तरह होता है। चैनल में सिर्फ दैट इज फॉर्मेशन ऑफ चैनल डिपेंड करता है कि वो किससे फॉर्म हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप उस MOSFET को क्लासीफाई कर देते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर एन चैनल MOSFET। बेसिक कंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पे आपका टू हाईली डोप्ड एन रीजन्स होते हैं, ये आप एन रीजन दे सकते हैं। तो ये जो दोनों एन रीजन्स होते हैं ये हाईली डोप्ड होते हैं, एंड दीज टू हाईली डोप्ड एन रीजन्स इज डिफ्यूज्ड इनटू द लाइटली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट। तो ये जो हाईली डोप्ड एन टाइप रीजन्स होते हैं ये लाइटली डोप्ड पी टाइप के सबस्ट्रेट में आपके डिफ्यूज होते हैं, एंड दीज जो हाईली डोप्ड एन रीजन्स हैं तो इन हाईली डोप्ड एन रीजन को एक को ड्रेन कहते हैं एंड अनदर इज नोन एज द सोर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं दो हाईली डोप्ड एन रीजन्स होते हैं विच इज डिफ्यूज इन टू द लैटली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट, एंड दीज टू एन रीजन्स आर द ड्रेन एंड द सोर्स। नाउ वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेट टर्मिनल। इन गेट टर्मिनल यू विल फाइंड देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देर इज नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द गेट एंड द चैनल। दिस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज डिसकनेक्टेड बाई यूजिंग अ इंसुलेटेड मटेरियल ऑफ SiO2। तो इस SiO2 की यूज की वजह से जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए था गेट और चैनल की वजह से उसको रिमूव कर दिया जाता है, बट रिमेन्स जो ड्रेन एंड सोर्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, बट जो गेट होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपकी जो इनपुट इम्पिडेंस होती है MOSFET की वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल JFET एंड चैनल MOSFET की MOSFET काम कैसे करता है। तो एज वी हैव सीन दैट इज कि आपने क्या किया था, JFET में VGS को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था तो VGS की वैल्यू जीरो हो गई थी। सेम आप इसमें भी MOSFET में यही करते हैं कि दैट इज़ योर VGS जो होता है इज डायरेक्टली कनेक्टेड। VGS गेट एंड सोर्स वोल्टेज, गेट एंड सोर्स वोल्टेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, देयरफॉर VGS की वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो हो जाती है। तो VGS की वैल्यू जीरो होने पे आप VDS की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रेन एंड
क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन ड्रेन की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर जो करंट फ्लो होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स की ओर आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सो हियर वी कैन सी बाय दिस डायग्राम ऑल्सो दैट जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपने गेट टू सोर्स को ज़ीरो कर दिया, और जैसे ही आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन पे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो जैसे पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो चैनल थे, वो आपका एन टाइप का था। एन टाइप दैट इज उसमें मेजोरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स थे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रेन साइड। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द ड्रेन, द करंट दैट इज द ड्रेन करंट फ्लोज फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स, एंड दिस ड्रेन करंट इज नोन एज द IDSS। IDSS दैट इज द करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और ये ड्रेन टू सोर्स इस करंट को भी आप जो कहते हैं ये मैक्सिमम करंट होता है, बिकॉज VGS इज जीरो। तो VGS की जीरो वैल्यू पे जो करंट ड्रेन करंट फ्लो होगी उसे आप मैक्सिमम करंट ड्रेन करंट कहेंगे, दैट इज IDSS। नाउ अगेन वी कैन सी इन द नेक्स्ट डायग्राम दैट अब आप जैसे ही VGS की वैल्यू को आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो अगर आपकी VGS की वैल्यू नेगेटिवली इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके नेगेटिव हैं, और आपके चैनल्स ये आपका SiO2 का लेयर हो गया, और आपके चैनल भी क्या है वो आपका एन टाइप का चैनल है। तो फिर एन टाइप के चैनल भी मेजोरिटी चार्ज के रिस्क हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी नेगेटिव और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, दोनों क्या करेंगे रिपल करेंगे, और रिपल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट में आपके क्या है, सबस्ट्रेट आपका पी टाइप का है, दैट इज उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, चैनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स सबस्ट्रेट की ओर आएंगे, और जो होल्स हैं सबस्ट्रेट से वो अट्रैक्ट होंगे चैनल की ओर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज। देयरफॉर देयर इज अ रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या होंगे आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो रहेंगे आपके चैनल में क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। दिस रिडक्शन इन चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स इन द चैनल कॉजेज द डेप्लीशन इन द ड्रेन करेंट। Therefore, just because of this process, this construction or this arrangement is defined as the depletion type MOSFET. Because जैसे जैसे आप negative voltage को increase करते जाएंगे तो आपके electrons और substrate के holes जो होंगे वो आपस में recombine होते जाएंगे, और जो आपके channels में जो electrons होंगे चैनल की या जो आप फ्लो ऑफ करंट हो सकती है वो क्या हो जाएगी, डेप्लीट होती जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नोन एज द डेप्लीशन टाइप MOSFET। तो जो मैंने अभी तक सारी चीज़ें फिगर के जरिए आपको डिस्कस की थी आप देख सकते हैं उसके नोट्स में भी यहाँ पे भी, कि पहले पॉइंट आपको था कि VGS की वैल्यू जीरो पे VDS की वैल्यू इंक्रीज करने VGS की वैल्यू जीरो पे VDS की वैल्यू इंक्रीज करने पे जो करंट फ्लो होगा उसे हम ड्रेन करंट या मैक्सिमम ड्रेन करंट कहेंगे, एंड जैसे जैसे आप गेट को और निगेटिव करते जाएंगे तो आपकी जो होगी रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगी। देयरफॉर रिकम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे चैनल में डिक्रीज हो जाएंगे, देयरफॉर आपका जो ड्रेन करंट होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा। एक चीज़ आप और देख सकते हैं इसमें इस डेप्लीट होने की वजह से आपके इस MOSFET को हम डेप्लीशन टाइप MOSFET कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डेप्लीशन टाइप MOSFET। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही आपकी VGS की वैल्यू, ये VGS की वैल्यू है, VGS की वैल्यू जैसे जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले आपका -4 था -5 था, तो -5 पे आपका जो वो करंट था ड्रेन करंट क्या था वो आपका ज़ीरो हो गया था, ये लाइन क्या आपकी ज़ीरो की, तो ड्रेन करंट -5 वोल्टेज क्या हो गया था ज़ीरो हो गया था। देयरफॉर इसे हम कट ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं बिकॉज कट ऑफ वोल्टेज आपका ड्रेन करंट क्या हो गया ज़ीरो हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं दैट इज़ आप -5 से ज़ीरो की ओर मूव करते जा रहे हैं, आपकी जो करंट है दैट इज़ जो आपकी ड्रेन करंट है वो क्या हो रही है एक्सपोनेंशियली आपकी इंक्रीज होती जा रही है। और मैंने आपको बताया था VGS की वैल्यू ज़ीरो होने पे ID की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से इस रीज़न को आप डेप्लीशन रीज़न कहते हैं, क्योंकि अब
माइनस जितना बढ़ रहा था आपका, तो आपके करंट डिक्रीज हो रहे थे, डेप्लीशन रीजन कह दिया। और इधर के रीजन को आप कह सकते हैं एनहेंसमेंट मोड, क्योंकि एनहेंसमेंट मोड दैट इज़ VGS की वैल्यू पॉजिटिव में, आपने JFET में देखा था, JFET में आप सिर्फ VGS की वैल्यू रिवर्स बैस्ड में होती है, फॉरवर्ड में नहीं होती है। लेकिन आप MOSFET में देख सकते हैं, MOSFET में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप VGS की वैल्यू पॉजिटिव करना स्टार्ट करते हैं तो जो ड्रेन करंट होता है वो भी आपका क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। उस इंक्रीज की वजह से इस मोड को हम कहते हैं एनहेंसमेंट मोड। तो आपके डेप्लीशन टाइप MOSFET में दो टाइप्स के मोड काम करते हैं, तो एक होता है आपका डेप्लीशन मोड और दूसरा होता है आपका एनहेंसमेंट मोड। डेप्लीशन मोड में जब भी काम करना होता है VGS की वैल्यू आप नेगेटिव चूज़ करते हैं, और जब भी आपको एनहेंसमेंट मोड में काम करना होता है तो आप इसकी वैल्यू को क्या रखते हैं, पॉजिटिव चूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो आपकी होती है। आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी इसमें देख सकते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने JFET में देखा था, दैट इज आपने ID और VDS के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था, सेम इसी तरह आपके MOSFET में भी है, आपने ID और VDS के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है, उसमें भी आपके ओमिक रीजन था, इसमें भी आपका ओमिक रीजन है, ओमिक रीजन आपका ये एक रीजन हो गया। ओमिक रीजन में आप देखते हैं कि VDS की वैल्यू इंक्रीज करने पे ड्रेन की वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही है, इंक्रीज़ या चेंज दोनों कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें रजिस्टर जो है वो चेंज हो रहा है, दैट इज़ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर भी इसको कहा जाता है, जो आपने JFET में पढ़ा था। सैचुरेशन रीजन में देखा कि अपने VDS वैल्यू पे इंक्रीज करने पे जो ड्रेन करंट है वो आपकी कॉन्स्टेंट बनी हो रही है, दैट इज देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ VDS आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद VDS का इंक्रीज करने पे कोई इफेक्ट आपके करंट में नहीं पड़ता है, उस सर्टेन वोल्टेज जिसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे हमने कहा था पिंच ऑफ वोल्टेज, JFET में भी उसी तरह था आपका। आप इसमें भी आप देख सकते हैं आपका ये कट ऑफ होता है दैट इज VG की वैल्यू हमने बताई थी VG इज़ इक्वल टू माइनस VP। तो अब VG इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम कर दें, इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दें नेगेटिव साइड में कि आपकी जो ड्रेन करंट है वो आपकी ज़ीरो हो जाए, तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है आपका वो ये होता है, जिसके बाद आपकी जो करंट जो होती है वो पिंच हो जाती है, दैट इज़ वो आपकी कॉन्स्टेंट बनी होती है, उसे पिंच ऑफ वोल्टेज होती है, ये आपका कट ऑफ वोल्टेज हो गया। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द JFET MOSFET डेप्लीशन टाइप में मैंने बताते हो। तो डेप्लीशन में दो मोड था आपका, एक था आपका इन्हेंसमेंट और एक जो एक आपका था डेप्लीशन, दो मोड में आपके काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, मेन पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ID की वैल्यू जो आपकी ज़ीरो होगी, ID की वैल्यू जो आपकी ज़ीरो होगी वो आपके करिस्पॉन्ड करेगी VGS ऑफ के लिए, दैट इज़ हम उसको रिलेशन ड्रॉ किया था VGS ऑफ इक्वल टू माइनस VP। तो VGS की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव करने पे आपकी ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड योर कट ऑफ वोल्टेज, नॉट पिंच ऑफ इज़ डिफरेंट, उसमें सेचुरेट हो जाती है। फिर दूसरा था VGS इक्वल टू ज़ीरो पे जो करंट होती है, ड्रेन करंट होती है, उसे हम मैक्सिमम ड्रेन करंट दैट इज़ IDSS कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि डी MOSFET में, दैट इज़ डेप्लीशन टाइप MOSFET में, आपकी जो VGS की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम करती है। तो ये 3 पॉइंट जो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू बी कंसीडर, डोंट फॉरगेट इट।